नमस्कार, गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित। आज हम चर्चा कर रहे हैं पत्नी को कब किधर स्थान देना चाहिए, अर्थात पूजन में कहाँ बैठना चाहिए, सोते समय किधर होना चाहिए, भोजन के समय किधर होना चाहिए, यात्रा के समय किधर होना चाहिए, तीर्थ यात्रा के समय किधर होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सब कुछ आज आपको बताएंगे। उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है उनके पास शेयर करें। इसी प्रकार ज्योतिष कर्मकांड इत्यादि चीजें यहाँ पर मिलती रहती हैं। देखिए, पत्नी का स्थान कब किधर है, तो अगर मोटा मोटा आपको समझना हो, ज़्यादा दिमाग ना लगाना हो, तो ये समझ लीजिए कि हर एक समय पत्नी का स्थान दाहिने तरफ है। हर समय कोई भी कार्य करना हो, कोई भी पूजा पाठ जारी करना हो, पत्नी दाहिने तरफ रहेगी। ये कुछ जगह है जहाँ पर बाएं साइड रहेगी, तो बाएं साइड कहाँ कहाँ पर रहेगी, यानी लेफ्ट साइड कहाँ कहाँ बैठेगी, उसको मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले कुछ और विशेष चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा है युद्धेषु पृष्ठतः कुर्यात्, अर्थात जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वाद विवाद हो रही हो, ऐसे स्थिति में पत्नी को हमेशा पीछे रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि माताएं तुरंत आक्रोशित हो जाती हैं, जहां पर लड़ाई नहीं होना होगा वहां भी लड़ाई हो करके ही रहेगी, इसलिए इस समय पीछे रखा जाता है। आगे कहा गया तीर्थग्रतो निश्चयेत, तीर्थ के समय यदि आप कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं, यात्रा में जा रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री रामेश्वर इत्यादि जा रहे हैं, तो पत्नी को आगे रखें। क्यों? मान लीजिए आप किसी मंदिर गए, मनकामेश्वर मंदिर गए, और आप जाएंगे तो बस प्रणाम प्रणाम सीताराम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन पत्नी रहेगी तो जल चढ़ाएगी, अक्षत चढ़ाएगी, पुष्प चढ़ाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी, दूसरी मंदिर है तो उसमें भी चढ़ाएगी, इसलिए आपको वहाँ थोड़ा समय लगेगा और उसके कारण आप कुछ पुण्य कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें यात्रा में भी हमेशा पत्नी को आगे रखते हैं, तीर्थ यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो। एक ऐसा भी उदाहरण समझ लीजिए कि आप मान लीजिए टैक्सी से जा रहे हैं, पत्नी साथ में है, और अगर पत्नी पीछे है आप उतरे, बैग लिए भाई चले गए, पत्नी छूट गई, इसलिए हमेशा टैक्सी से आप उतरे तो पहले पत्नी के सामान उतारिए पत्नी को, फिर पत्नी आगे आगे आप पीछे पीछे। रेलवे से जा रहे हैं आप, उतर के चले गए, पत्नी बैठी रह गई, इसलिए पत्नी को यात्रा में आगे रखा जाता है, लड़ाई के समय पीछे रखा जाता है। दो चीजें क्लियर हो गई, आगे पीछे की। अब हम दाहिने तरफ की कुछ विशेष बात न करके सीधे लेफ्ट साइड की बात करेंगे। दाहिने समय कब कब रहती है, तो स्त्रियों का स्थान होता है कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठे यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः स्मृतः। कोई भी धर्म कार्य हो उसमें पत्नी कहाँ रहती है, दक्षिणे अर्थात राइट साइड में रहती है अपने पति के। हस्बैंड के राइट साइड में पत्नी चाहे कन्यादान कर रही हो, भूमि दान कर रही हो, गाय का दान कर रही हो, पैसा का दान कर रहे हैं, ग्रहों का जप दान इत्यादि कर रहे हो, हर एक समय दाहिने साइड रहेंगे। ठीक है, विवाह में भी दाहिने साइड, किसी मंदिर का प्रतिष्ठा है, घर का ग्रह प्रवेश है, कुआं तालाब इत्यादि बनवाए हैं, तो पत्नी किधर रहेगी, दाहिने साइड। सर्वेषु धर्म कार्य, कोई भी धर्म कार्य हो। ठीक है, अब हम मुख्य टॉपिक में अपने आते हैं, वाम साइड। पत्नी को एक नाम दिया जाता है वामांगिनी, तो वामांगिनी जब बाहिने बाएं साइड बैठेगी नहीं तो वामांगिनी कहेगी, तो वामांग में यानी कि लेफ्ट साइड उसको कुछ विशेष स्थान दिया गया, कौन कौन सा है उसको समझ लेते हैं। कहा गया है धर्मशास्त्रों में आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी तोत्तरतो भवेत। उदाहरण के लिए आप समझिए, आशीर्वादे आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, माता पिता का, गुरुदेव का आशीर्वाद दे रहे हो, तो पत्नी किधर रहेगी, वामांग में। अब पत्नी का मुख्य स्थान आ गया वामांग। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पाद प्रक्षालन कर रहे हो, पाद प्रक्षालन मतलब पैर धुल रहे हो, सम्मान के लिए धुलते हैं। अभी भी MP इत्यादि में बहुत ये नियम माना जाता है, अब हमारे यूपी में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का चरण धुले, चरणोदक ले, उस समय भी हम वामांग में पत्नी को रखते हैं। ठीक, इसके बाद शयने भोजने चाहिए, शयन करते समय पत्नी का स्थान वामांग में होना चाहिए। बहुत से लोग जानते हैं तो वामांग में पत्नी को सुलाते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते तब भी सुलाते रहते हैं, गलती से ही सही, लेकिन जो अब आज से आप जान गए, पत्नी को लेफ्ट साइड में ही सुलाना है, आप राइट पत्नी के राइट साइड में सोएंगे। इससे क्या होता है, जब संतान इत्यादि उत्पन्न होती है तो बहुत तेजस्वी ओजस्वी रहती है। ठीक, भोजने वैसे धर्मशास्त्रों में तो कहा गया कि पत्नी को साथ में भोजन ही नहीं करना चाहिए, पति के साथ में यहाँ पर बहुत से अच्छे अच्छे वक्तव्य सुना है, तो यहाँ कहा जाता है पति पत्नी साथ में भोजन ना करें, लेकिन यहाँ कहा गया भोजने साथ में भोजन करने के लिए।
कौन सा सात्विक भोजन करना है यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। धर्मशास्त्रों में सबसे अच्छा भोजन पत्नी का कहा गया है कि पति जब खा चुके भोजन कर ले उसके बाद उसी थाली में जो बचा भोजन है और भोजन ले करके उसमें भोजन करे, ये सर्वोत्तम स्थिति मानी गई है। ठीक, इसके बाद सामान्य स्थिति ये मानी गई है कि पति खा चुका हो फिर पत्नी खाए, या पत्नी पति नहीं खाया पत्नी पहले ही खा ले, पति पत्नी पहले ही खा ले पति फिर बाद में खा ले, एक समय ना करें, ये सामान्य स्थिति है। और पति पत्नी साथ में खाए ये अधम स्थिति है, सबसे बेकार स्थिति है, इसलिए पत्नी को पहले या बाद में खा लेना चाहिए। यहाँ पर जो भोजन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कहीं आप विशिष्ट व्यक्ति बन के जाएं और आपको साथ में भोजन करना हो तब पत्नी को वामांग में बिठा करके भोजन करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। केवल एक पॉइंट यहाँ छूट रहा है, आशीर्वाद के बाद अभिषेक। जब हम कोई पूजा करवाते हैं, मान लीजिए मैं यजमान हूँ, मैं कोई पूजा करवाऊंगा तो पत्नी के साथ में करवाऊंगा, सब आचार लोग करेंगे, और पूजन होने के बाद लास्ट में यजमान को आशीर्वाद और यजमान का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के समय पत्नी को बाएं साइड बैठा दिया जाता है। इसी प्रकार से विवाह जब पूर्ण हो जाता है, सिंदूर दान इत्यादि हो जाता है, तो विवाह में भी पत्नी को उठा करके वामांग में बैठाया जाता है, तब आचार्य जी लोग अभिषेक करते हैं। गणाधिपो भानु शशि धरा सुतो बुधो गुरुर भार्गव सूर्य नंदनो इत्यादि मंत्रों को बोल करके। यहाँ पर एक बात यह है, एक ये मैं नाम नहीं लूंगा, भागवताचार्य हैं, खूब उनके फॉलोअर्स हैं, खूब भक्तगण हैं वो, मैं उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जब भगवान शंकर जी का अभिषेक करें उस समय पत्नी को बाएं साइड बैठना चाहिए, मूर्ख है। ठीक, पहले बातों को समझिए तब दूसरों को समझाइए, पहले स्वयं समझिए तब दूसरों को समझाइए। भगवान शंकर जी का अभिषेक करते समय पत्नी हमेशा दक्षिण अर्थात दाहिने साइड राइट साइड रहेगी, ठीक वामांग में नहीं रहेगी। वामांग में जब स्वयं का अभिषेक हो रहा हो, जल से सिंचन कर रहे हो, पंडित जी ओम देव हू शांति आपो इष्टावयो भुवा बोल रहे हो, तब वामांग में रहेगी। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप वामांग की मुख्य चीजें समझ लीजिए कि जब आप आशीर्वाद लें, जब आपका अभिषेक हो रहा हो, जब किसी का पैर धुल रहे हो, और जब आप सो रहे हो, जब आप साथ में कभी भोजन किसी विशिष्ट स्थान पर जाकर के कर रहे हो तब पत्नी वामांग में रहे, अन्यथा सदा सर्वदा पत्नी दक्षिण भवेत, केवल यात्रा और युद्ध के समय छोड़ करके, यात्रा में आगे युद्ध में पीछे। अब आप बताएं कि यह सेवा आपके लिए कैसे रही, क्या इससे कुछ सीखने के लिए मिला? यदि मिला हो तो गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको आवश्यकता हो, जिनको जरूरत हो, तो सही जानकारी उनके पास शेयर करें। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे।